अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम सेक्शन कर रहे हैं ये सेक्शन क्लास 10th के लिए है। स्पेशली जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे फुल मार्क्स आए 100 out of 100 और उन्हें मैथ्स में मजा आए और मैथ्स समझ में आए, ये उन लोगों के लिए है। हम सारे चैप्टर्स करेंगे, ठीक है, उसमें सारी एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक करेंगे। जो बच्चों को आरडी शर्मा की प्रॉब्लम्स होती हैं, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी एक्सप्लोरर एक बुक होती है जो सीबीएसई ने लॉन्च करी थी, एनसीईआरटी ने लॉन्च करी थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हम वो भी करेंगे। तो उसी से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो चैप्टर 1 है आपका आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें रियल नंबर चैप्टर है। तो उस रियल नंबर चैप्टर को देखिए, मैंने की आसानी के लिए जो है ये देखिए, मैंने इस चैप्टर को आपके क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये हमने आपके इसको 13 क्लासेस में चैप्टर 1 को हमने डिवाइड किया, जिससे कि जो आपका सेक्शन बने वो छोटा छोटा सा बने, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का, और उसमें आपको वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ जाए। तो मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका यूज क्या है, और आपके इस चैप्टर के अंदर उसका क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है HCF फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास है जो आपको नजर आ रहा है कि आपके एनसीईआरटी की बुक की ही कटिंग है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसका स्टेटमेंट, उसकी डेफिनेशंस जो होती हैं वो आपको समझ में आए। ये दो टर्म्स हैं, एल्गोरिथम और लेमा, इसको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और उस पे बेस्ड जो ये आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, दैट्स इट। तो इतना सा ही हम करेंगे इस छोटे से सेशन। चलिए तो मैं बात करता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक्चुअली क्या है, अगर हम बात करें आपसे, बहुत ही इजी है, हम इसको बहुत पहले सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट कहाँ से आया है और HCF कैसे निकलता है वो पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में लेंगे, फिर इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बेस करेंगे। हमारे पास क्या है, देखिए होता क्या है कि अगर हम आपसे कहें कि दो नंबर है आपके पास, ये आप सब करते आए हैं शुरू से, 6th, 5th, जहां से भी आपने डिवीजन सीखा है वहां से ही आप करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 4, 2 नंबर्स, ठीक है। इसमें भी आपको मैं स्पेशली लिख दूं पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लीजिए एक नंबर लिया आपने 2 और एक आपने लिया 5। तो अगर आपके पास दो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स 2 और 5, और आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि सर 5 को 2 से डिवाइड कर, तो आप सब बच्चों को पता है इन दो नंबर्स के लिए, ठीक है, जिसमें से एक डिवाइडेंड है और एक डिवाइजर है, आप सब बच्चों को पता है कि सर एक क्वेश्चेंट आएगा 2 2 जा 4, और सर एक रिमाइंडर आएगा। तो इन दो नंबर्स के लिए ये दो नंबर्स आपके पास और आएंगे, 4, any two positive integers 5 and 2, there exist two unique integers 2 and 1. Two integers के लिए दो और integers जरूरी हैं, होते हैं जब हम divide करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इन चारों में relation होता है, क्या relation होता है आपको पता है, 5 जो होगा वो होगा 2 into 2 plus 1, ये आप सब बच्चे पढ़ते हैं। अब इसको अगर मैं लिख दूं इस तरह से, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, ये अगर मैं आपको, यही बस एक रिलेशन है, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा ने
यूक्लिड ने अपने उसमें स्टेटमेंट में लिख दिया, तो उसको लेमा हम कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि आप सब बच्चों को ये भी पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होगा भैया, तो जीरो आएगा। आपको पता है जब डिवाइड कर रहे हैं तो जो बचता है हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर, या तो वो जीरो आ जाता है तो कैलकुलेशन खत्म हो जाता है, या फिर जीरो से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। बस इसी टर्म्स को जो मैंने आपसे कहा, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज टू यूनिक इंटीजर्स, उन चारों में फिर एक रिश्तेदारी होती है, रिलेशन होता है, और जो उसमें रिमाइंडर होता है हमेशा जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा बट डिवाइजर से छोटा होता है। तो इसको, इस स्टेटमेंट को, इस सारी चीजों को यूक्लिड डिविजन लेमा कहते हैं। पहले हम लिख लेते हैं अपने हिसाब से, आपसे क्या कह रहा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist two unique integers. देखो जो भी आप नंबर लेंगे तो उसके लिए जो इंटीजर्स होंगे वो फिक्स होंगे, यूनिक, उनके अलावा नहीं। जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर जो है वो हमेशा 1 आएगा, क्वेश्चन हमेशा 2 है। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, तो दो नंबर्स के लिए दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वेयर ए इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर एंड आर इज ऑलवेज मोर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन बी, दैट इज यूक्लिड डिविजन लेमा। उम्मीद यह है डेफिनेशन स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। MCQs में कभी कभी सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेता है, MCQs में आपसे सिर्फ रिलेशन पूछ लेगा कि ए बी क्यू आर में क्या रिलेशन है, आर की क्या कंडीशन है, ये जो लेमा है ये किसके लिए है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा गया था कि जो यूक्लिड डिविजन लेमा है वो किस इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, नेगेटिव के लिए है, नन ऑफ दीज के लिए है, ऑल ऑफ दीज के लिए, इस तरह के क्वेश्चन बनाए ये हमारे पास होते हैं। तो पहली चीज तो थी यूक्लिड डिविजन लेमा। दूसरा, इससे हेल्प से हम HCF निकालते हैं। एक्चुअली HCF हम दो तरीके से करते हैं, एक हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, HCF आप 8th क्लास से करते आ रहे हैं, 10th में कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, बट उसको करने का तरीका सिर्फ हम बता रहे हैं। एक डिवीजन मेथड भी होता है और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड क्या है, सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि भाई ये हमारे पास है 40, ठीक है सर, और सपोज करो ये हमारे पास है 6, और हम आपसे कहें 6 और 40 का HCF निकालिए। तो करने का तरीका ये होता है कि छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 6 या 36, रिमाइंडर आएगा 4। तो पहले आपने क्या किया, इनको डिवाइड किया और आपने चेक किया कि रिमाइंडर क्या है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होता है ये उसका HCF होगा। HCF शायद आप सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सकता है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर। तो जब दो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो दो नंबर्स में ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो अगर 640 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो फिर तो ये HCF है। अगर नहीं आ तो फिर हम क्या करते हैं, हमने जो डिवाइजर लिया था और हमारे पास जो नंबर आया है फिर हम उनको लेते हैं। अब हम करेंगे 4 से 6 को डिवाइड, तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर आया 2। अभी भी हमारे पास नहीं आया तो फिर जो हमारे पास डिवाइजर और रिमाइंडर है फिर हम उसको करेंगे। अब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और ये हमारे पास आ गया 0। जब हमारे पास 0 आ जाए उस नंबर को हम HCF, तो ये हमारे पास HCF है इन दोनों। एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान रखिएगा, 2 और 4 का जो HCF है वो ही HCF 4 और 6 का होगा, वो ही HCF 6 और 40 का होगा।
इस तरह से हम निकाल सकते हैं HCF, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते ऐसे हैं कि आपने 6 और 40 में देखा, तो 40 को हमने कैसे लिखा, 40 को हमने लिखा ऐसे 6 जा 36 प्लस 4, फिर हमने 6 को लिखा 4 1 जा 4 प्लस 2, फिर हमने 4 को लिखा 2 जा 4 प्लस 0, तो जिससे 0 आया वो हमारा HCF है, डिवाइजर हमारा HCF है। तो आप कह सकते हैं HCF of 6 and 40 is 2, that's it। तो आज के लिए आपका इतना सा ही छोटा सा टॉपिक है कि what is Euclid division lemma। तो Euclid division lemma क्या है हमारे पास कि for any two positive integers a and b there exist two unique integers q and r where in charo mein relation a is equals to bq plus r and r is always more than equals to 0 less than b। और इससे जो हम डिवाइड करते हैं, इससे जो हम HCF निकालते हैं वो हमारे पास ये है। तो हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक हमारे पास लेमा आ रहा है, मैं आपको भी ये डेफिनेशंस दिखा दूं CBSE की, ये हमारे पास है। आपसे क्या कह रहा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, गिवन कह लीजिए, फोर कह लीजिए, आपके पास दो नंबर अगर है तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर जिनमें रिलेशन होता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और आर इज ऑलवेज मोर देन जीरो More than equals to zero, less than b, ये हमारे पास है। दूसरा हम बार बार कह रहे हैं लेमा, लेमा कुछ नहीं है, लेमा हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास डिवीजन था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसको हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लेमा, ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, इससे यूज करके दूसरी चीजों को हम प्रूव करेंगे, तो इसको हम एज ए लेमा यूज करते हैं। और हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज नथिंग, एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को करना, ठीक है, इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, कि भाई इस काम को करने का ये तरीका है, आप पहले ये काम करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो ये जो स्टेप्स बनते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। है, तो ये हमारे पास टर्म्स थे और ये हमारे पास था, तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में ये तीन पार्ट हैं, आपसे कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, तो मैं 135 225 ले लेता हूँ। हमारे पास क्या है, ये है एक्सरसाइज 1.1 और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, आपसे कह रहा है एचसीएफ निकालिए 135 एंड 225, बस ठीक है, छोटे छोटे से हम क्लिप्स बना रहे हैं 5-5, 10-10, 15-15 मिनट के, जिससे कि आपको वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट तो आप सारे सारे वीडियोस देखते रहेंगे, आपको एक एक करके छोटे छोटे उसमें क्लियर होता जाएगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आपको करना क्या है कि बड़े वाले नंबर को आप छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए सिंपल, और ध्यान रखिएगा जो आपका एक चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, तो आपके इसी तरह से एक एक नंबर, दो दो नंबर आपके सॉल्व होते रहेंगे, तो आपके एक चैप्टर से 6 मार्क्स मिल जाएंगे, और उम्मीद ये है कि नॉलेज माशाल्लाह आप, उम्मीद ये मैं करूँ कि आप सीखेंगे, मतलब मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, तो अच्छा लगेगा, उसको बहुत टफ बना के बात करें मजा नहीं है। तो इसमें क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, पहले ये हम रफ कर लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन के उसमें एल्गोरिथम की फॉर्म में, 550 22 39। अभी नहीं आया है तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, तो 91 जा 90, ये हमारे पास 45 आया है, अभी भी जीरो नहीं आया तो अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 45 से 90 करेंगे, तो शायद आपको पता ही है 45 जा 90, ये हमारा जीरो, तो जिससे हमारे पास जीरो आया है वो हमारा HCF। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप सिर्फ इसको ऐसे लिख लीजिए, हमारे पास दो नंबर थे 135 एंड 225, आप लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपने 225 को लिखा है 135 इंटू 1 प्लस 90, 225 is equals to 135 1 जा
प्लस 90, आपको पता ही है रिलेशन लिखना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 135 को लिखेंगे 90 के साथ। 135 एंड 90 वन जा 90 प्लस 45, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 90 को लिखेंगे 45 के साथ। 90 इज इक्वल टू 45 टू जा प्लस 0, तो जब 0 आ जाए तो डिवाइजर इज 45, तो आप लिख सकते हैं सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। That's it. तो ये हमारे पास है, उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन सब कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, व्हाट इज लेमा एंड उसके यूज से HCF, इतना सा। तो आपके पास ये इस पे बेस्ड तीन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 में थ्री पार्ट्स हैं, तीन क्वेश्चन ही कर लिए थे क्वेश्चन, तो ये आप कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।